अ मंकी ऑफ मास फोर्टी के जी क्लाइम्ब्स अप्रेकिंग लोड सिक्स हंड्रेड न्यूटन हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग इफ इट क्लाइम्ब्स अप द रोप विद द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन दैन अ टाइम टेकन बाय द मंकी टू क्लाइम क्लाइम्ब अप द रोप लेंथ ऑफ रोप इज टेन मीटर तो ये हमारे पास मंकी है ठीक है अब ये जो मंकी है ये हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है ये इस ये मैक्सिमम लोड ले सकती है 600 न्यूटन का यानी कि इसमें जो टेंशन आएगी ना मैक्सिमम वो आएगी 600 न्यूटन की इस मंकी का वेट है 40 के अब मंकी जो है मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है ये हमें पता लगाना है उसको टाइम कितना लगता है तो देखो हमको सिर्फ यहाँ पे एफ बनानी और कुछ नहीं करना ऊपर लगेगा सिक्स न्यूटन का फोर्स है ना मैक्सिमम टेंशन जो लगेगी वो 600 न्यूटन की लगेगी नीचे इसका वेट आएगा 400 न्यूटन राइट right? तो नेट फोर्स यानी कि 600 हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेशन तो ये मैक्सिमम फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है अब इस रोप की लेंथ हमको दी हुई है बेटा रोप की लेंथ कितनी दी है टेन मीटर दी है ना तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मुला लगा लेंगे ऐसी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंथ कितनी है टेन मीटर हाफ ए टी स्क्वायर इनिशियल स्पीड जीरो मान के एक्सेलरेशन फाइव मान के उसको दो सेकंड लगेंगे यहाँ से यहाँ ऊपर पहुँचने में तो थैंक यू फॉर वाचिंग